आप लोगों से एक बहुत ही अमेजिंग सा लॉक्शन की टेक्निक बताने वाली हूँ ये टेक्निक मैंने इस बुक से लिया है इब्राहिम की ये टीचिंग है इस टेक्निक का नाम जब मैं आपको बताऊंगी जो भी आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और उसमें आपको दिक्कतें आ रही है लाइक आपके पास वो होप है लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये आप नहीं कर पाएंगे शायद ये आपके लिए नहीं है या आपके आपके साथ ये मैनिफेस्ट नहीं होगा तो अगर आप अपने ड्रीम्स को मैनीफेस्ट करना चाहते हैं चाहे वो कोई भी लाइफ का एरिया हो हेल्थ रिलेशनशिप मैरिज करियर मनी कोई भी चीज़ अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं प्रमोशन चाहते हैं खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं अपना डिज़ायर्ड वेट को पाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं कुछ भी कुछ भी एक्स वाई जी कुछ भी आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना आप इस टेक्निक से कर पाएंगे ये टेक्निक बहुत ज़्यादा इजी है सिंपल है आपको पता है मैं हर एक टेक्निक जो इजी और सिंपल होता है वही टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और जिसका एक्चुअली सक्सेस स्टोरीज होता है उनका मैं इसे शेयर करती हूँ नाउ सबसे पहला चीज़ आज की जो मैं टेक्निक बताने वाली हूँ आप भले कितना भी एफर्मेशंस कर रहे हैं ठीक है फाई 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 टेक्निक कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं विजुअलाइजेशन कर रहे हैं लेकिन जब आप कर रहे हैं प्रैक्टिस उसी टाइम पे आपका माइंड एकदम अट्रैक्टिव है ऐसा फील हो रहा है कि हाँ 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 मैंने तो मैनिफेस्ट कर लिया मैं तो मैनिफेस्ट कर लूँगी है ना आ, या ये चीज़ मेरे पास है लेकिन बाद में जो पूरा दिन आपका जाता है वो पूरा दिन में आप सोचते रहते हो तभी तो कर लिया लेकिन अब कैसे होगा अब किस तरीके से होगा यार मैंने अभी तक तो किया है लेकिन आ क्यों नहीं रहा ये डिज़ायर मेरे पास ये चीज़ मेरे पास पहुंच क्यों नहीं रही है मैं क्या मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या मुझे सही तरीके से करना चाहिए ये जो आपके माइंड में पूरा दिन चलता रहता है आपके टेक्निक करने के बाद तब जाके ये टेक्निक को आप यूज़ करेंगे ये टेक्निक इसको हम टेक्निक नहीं बोल सकते लेकिन एक सिंपल आ, सिंपल टिप बोलूंगी मैं या फिर मैं बोलूंगी कि इसको हम पूरे दिन में जब भी भी चाहे तब भी कर सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है ना कि ग्रैटिट्यूड लिखना हमें अच्छा नहीं लग रहा है मूड नहीं आ रहा है ग्रैटिट्यूड लिखने के लिए जर्नल जर्नलिंग करने के लिए स्क्रिप्टिंग करने के लिए मन नहीं कर रहा है या फिर हम टायर्ड फील कर रहे हैं कहीं से बाहर से घो के आए हैं और आके फिर मन नहीं कर रहा है उस टाइम पर भी आप इस टेक्निक को कर सकते हैं देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे होती है जब आप उसके बारे में एक अच्छा थॉट क्रिएट करते हैं एक नहीं कई सारे अच्छे थॉट्स क्रिएट करते हैं जब आप उसके उसको फील करते हैं तब आप अट्रैक्ट करते हैं जब आप उसके बारे में थॉट्स क्रिएट करते हैं तब आप उसे मैनिफेस्ट करते हैं तब आप उसको अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं और जब उसके बारे में आप सोचते हैं वो आपके सामने आना स्टार्ट होता है ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन राइट तो अब जब हम इस चीज़ को जान चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से होता है तो आज मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ जो इस टेक्निक से आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं एंड येस इवन फॉर हाइट आप हाइट के लिए भी कर सकते हैं आपने बहुत एक्सरसाइजेस किए हैं आपने बहुत एफोमेशंस लिखे हैं विजुअलाइजेशन किया है सब्लिमिनल uh, सुने हैं फिर भी काम अगर नहीं कर रहा है इसके साथ जाइए इसके साथ काम कीजिए टेक्निक का नाम है जो मैंने रीड किया था बुक में जो लिखा हुआ है वो है वुडेंट इट बी नाइज इफ नाउ हम इसे किस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कैसा होगा अगर ये चीज हो जाती है कैसा होगा अगर मेरी हाइट 6.3 हो जाती है कैसा होगा अगर मेरी वेट 55 फाइव हो जाती है कैसा होगा अगर मेरी कंपिटिटिव एग्जाम में मैं क्लियर कर लेती हूँ कैसा होगा अगर मेरा जॉब मुझे लग जाता है कैसा होगा अगर जब मेरा बॉस मुझे इंक्रीमेंट करता है अप्रेजल देता है कैसा होगा कैसा मुझे फील होगा जब मैं अपने खुद का कार ले लूँगी कैसा होगा अगर मेरी स्किन और भी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाए अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं इन एग्जांपल्स से आप और भी ज़्यादा थाट्स क्रिएट कर सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं जैसे कि अगर वेट के बारे में बताएं, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और वेट के बारे में बताएं तो आप इस तरीके से भी थाट्स क्रिएट कर सकते हैं कि कैसा होगा अगर मेरी वेट 55 फाइव हो जाए तो मैं कैसे देखूंगी मेरा स्किन किस तरीके से ग्लो करेगा मेरा फिगर कैसा दिखेगा मेरी बॉडी शेप कैसे चेंज होगी मुझे कितने सारे नए कपड़े लेने होंगे क्योंकि मैं पहले के कपड़ों में अब फिट नहीं आऊँगी मुझे नई शॉपिंग करनी होगी कैसा होगा जब मेरी जो वेट है वो 55 फाइव हो जाती है और मैं बहुत ही ज़्यादा स्लिम कॉन्फिडेंट दिख रही हूँ ये बोलते बोलते बस थॉट्स क्रिएट करो कि ये चीज़ आपकी हो चुकी है और फिर विजुअलाइज करो मन की आँखों से इमेजिन ही कर लो इमेजिन कर लो कि ये चीज़ हो चुका है फिर आप कैसे फील करें कितना कॉन्फिडेंट है आप कितना बॉडी आपका लाइटर महसूस कर रहा है ये चीज़ सोचो जब आप इसके बारे में सोचोगे आप ये भी सोच सकते हैं कि जब मेरा कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी क्लियर हो जाता है सेकेंड एग्जाम्पल कम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर हो जाता है मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज कितनी ज़्यादा खुश होंगी मेरे पेरेंट्स कितने प्राउड फील करेंगे इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ इसके बाद मुझे कहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा इसके बाद मैं कहाँ जॉब करूँगी और कहाँ जॉब ऑफर मिलेगा मुझे जब आपका अप्रेजल आपको चाहिए और आप ऐसे सोचेंगे क्या ये कैसे होगा जब क्या होगा जब मेरा अप्रेजल हो जाता है एक्स वाई जी अमाउंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट होंगी मेरे कलीग सब मुझे प्राउड फील करवाएंगे मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे मेरा बॉस मुझे जो है ना शाबाशी देगा क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा अच्छा काम किया है और इसमें और भी मैं काम करने वाली हूँ अगर आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं डिजायर लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे आप बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स कैसे होगा कैसे होगा अगर कैसा कैसा मुझे फ़ील होगा जब मेरा लाइफ पार्टनर मुझे मिल जाएगा कैसा फ़ील होगा मुझे जब मेरा लाइफ पार्टनर मेरे सामने होगा क्या क्या मैं करने वाली हूँ उस समय क्या क्या चीज़ें हम साथ में करने वाले हम बीच पर घूमने जाएंगे हम डेट पर जाएंगे हम डिनर पर जाएंगे क्या क्या चीज़ें करोगे इस तरीके से थॉट्स क्रिएट करो ना आज मैं आपको एक होमवर्क भी देना चाहती हूँ क्योंकि आपका कमेंट्स नहीं आता है वीडियो पर तो मुझे देखना है कि क्या आप मेरे वीडियोस देख के कुछ सीख भी रहे हैं या सिर्फ देखकर छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आते भी हैं तो सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं सक्सेस स्टोरीज तो आते ही नहीं हैं आप लोग शेयर ही नहीं करना चाहते हो तो चलो आज मैं आपको होमवर्क देती हूँ होमवर्क में कुछ इस तरीके से है ये जो मैंने टेक्निक आपको बताया है ये टेक्निक आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चीज़ के बारे में सोच कर आप थॉट्स अपने लिखने वाले हैं कॉमेंट में कैसा होगा अगर मैं कॉन्सीव कर लूँ तो क्या मैं फील करूंगी क्या मैं एक्सपीरियंस करूँगी ये सारी चीज़ें क्या इन फ्यूचर आगे होने वाला है क्या आप करने वाले हो वो सारी चीज़ें अगर आप हाइट को मैनीफेस्ट करें तो हाइट के लिए लिखो कैसा होगा अगर मेरी हाइट इतनी हो जाती एंड बिलीव मी अगर आप लिख नहीं रहे हो सोच नहीं रहे हो तो कैसे मैनिफेस्ट करोगे इतने लेजीनेस के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ये भी बोलता है कि आपको एक्शंस लेना है तो जब तक आप एक्शन नहीं लोगे थोड़ा एफर्ट्स नहीं दोगे तो किस तरीके से मैनिफेस्ट करोगे ऐसे तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए कितने सारे लोग हैं जितनों को जिनको अभी ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन ये इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है कि आज सबको पता है लेकिन आपने क्या मैनिफेस्ट किया है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या अभी भी आप वैसे ही लाइव जीना चाहते हो ऐसे ही सारे वीडियोस देख के बस निकल जाना है क्या कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करनी है ठीक है तो ये चीज़ सोचकर आप थोड़ा एफर्ट्स लगाओ मैं भी हूँ यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए और आप भी जो है अपने जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसका पूरा कमेंट्स में शेयर करो जो भी कुछ गलत होगा जो भी चीज़ सिखानी होगी मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी और अगर आप मेरे साथ फ़ोन कॉल काउंसलिंग लेना चाहते हैं अगर आप वन टू वन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है आप चेक कर सकते हैं और अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं अगर ब्रेसलेट्स आपको लेनी है तो ब्रेसलेट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे नाइन वन सिक्स सेवन नाइन वन सेवन सिक्स फोर फोर पर और अगर आप मैरिज को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपने डिज़ायर्ड लाइफ पार्टनर के साथ तो मेरी पर्सनल काउंसलिंग थ्री मंथ्स की है वो आप ले सकते हैं जिसमें मैं हैंड होल्डिंग के साथ आपकी शादी करवाऊँगी मैनिफेस्ट करवाऊँगी मैरिज आपकी ओके सो थैंक यू एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स बाय बाय